धन्यवाद। हमारी श्री रामलीला कमेटी का निर्विघ्न बिल्कुल शांति से पूरे दशहरे तक हमारा आज भरत मिलाप था, बहुत शांतिपूर्वक निर्विघ्न हमारा रामलीला का समापन हुआ आज। और 10 के 10 दिन दर्शकों ने बड़ा लुत्फ़ उठाया है। और जय मोदी जी का नारा है कि समस्त समरसता वो हमारी रामलीला में दिखाई देती है। उसमें सभी धर्म सभी समाज के लोग हम सब मिलकर मंचन करते हैं। और हमारा मंच का भी भव्यता ये है कि हमने पूरा इंडिया हमने अपने मंच पे हमने अपने ग्राउंड में समाया हुआ है। पूरा तिरंगा मैं हमारा पंडाल लगा हुआ था और हमने जो आकाश में गुब्बारे भी लगाए हुए थे उस पर भी मोदी जी का जो नारा है अमृत महोत्सव, वो अमृत महोत्सव हमारी रामलीला में दिखाई देता है। हमने अमृत महोत्सव की तरह रामलीला मनाई है। और भारत माता की जय। भारत माता का हर दरवाजे मतलब मेन एंट्री गेट पे भी और मेन कार्यालय गेट पे भी मेन मंचन पे भी हमने भारत माता जी का और भगवान वाल्मीकि जी का और राम दरबार का चित्र दिखाया है। और पहले नंबर पर आई रामलीला और पूरी दिल्ली नॉर्थ में हमारी रामलीला को फर्स्ट प्राइज दिया गया है। और हमारी रामलीला पहले भी सेकंड नंबर पर आई थी। हमारी रामलीला में हमारे सारे बच्चे खुद के होते हैं, सेक्टर 11 के सारे परिवारों से कलाकार लड़के लड़कियां सब के, हमारा कोई भी पेड़ कलाकार नहीं होता है और सभी कलाकार हमारे अपने होते हैं। और 10 के 10 दिन सिद्धार्थन जी, आदेश गुप्ता जी, आलोक जी विश्व हिंदू परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलका गुर्जर जी, दुष्यंत गौतम जी और ऋतु गोयल जी और प्रीति अग्रवाल जी और हमारी रामलीला में हमारे पार्टी के हंसराज हंस जी, विजेंद्र गुप्ता जी सभी हमारी रामलीला में आए और सभी ने समय दिया। मैं पूरी कार्यकारिणी की तरफ से सभी अतिथियों को मैं दिल की गहराई से अपनी रामलीला कार्यकारिणी की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, मोदी जी के राज में हमारा देश तरक्की कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी रामलीलाओं के माध्यम से हिंदुत्व को भी जगाया जा रहा है और हिंदुत्व में बहुत ज़बरदस्त आज जागृति है, वो सब मोदी जी की देन है। इसी को के साथ मैं आज की रामलीला हमारी समापन की खुशी कैसी है। 10 दिन की मेहनत सफल हुई और जो पहला इनाम पूरी रोहिणी की रामलीलाओं का मंचन देख कर आपने, आपके चैनल ने, आपके एक एनजीओ जो आप चलाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से जो हमें प्रथम पुरस्कार रामलीला को दिया गया, उसके मंचन के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, स्वच्छता के लिए, तो उसका भी हम आभार करते हैं आपका और आपके वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, हमारी कमेटी को भी, आई हुई प्रजा को भी और सारे भक्तों को भी। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी वो सब पे करें। व्यस्त दिन गए, भगवान की परीक्षा के दिन थे वो, पर उसने परीक्षा का फल हमारे को बहुत अच्छा दिया। आपने समय में देखा होगा, खुद भी देखा होगा कि दशहरे वाले दिन पब्लिक का हजूम ही हमारा पारितोषिक होता है। वो प्रभु दाता ने हमारी झोली में हर एक ढंग से हमारी उम्मीद से ज़्यादा दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।